सलमान खान के बारे में मैं बहुत बार बहुत सारी बातें कर चुका हूं, लेकिन एक बात आपको कहना मैं कभी नहीं भूलता। कोरोना आने के पहले, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के पहले, सलमान खान वो नाम था जो मैंने कई बार कहा है, किसी भी इंसान के ऊपर हाथ रख दे और वो कहे कि ये वो कोई भी हो, लेकिन अगर वो कहे कि नहीं ये एक्ट्रेस बनेगी, तो एक्ट्रेस बन गई, सुपर डुपर एक्ट्रेस बन गई। उसने कहा कि किसी भी इंसान सड़क से उठा के किसी भी ऑटो वाले को या किसी को भी पूछ लो ये कोरियोग्राफर, तो कल का स्टार है सुपर डुपर, कल का सुपर डुपर कोरियोग्राफर है भाई। सब रियलिटी शो सारे के सारे स्टार के गाने वाने सब वो करेगा, उसका शक्ल भी दिखेगी, सब कुछ होगा, एक महीने के अंदर मुंबई में फ्लैट। ये सच है। वो सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि किसी को भी छू ले तो सोना कर। उस सलमान खान के बारे में आज बात करूंगा मैं, और यही बात करूंगा कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बारे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ और ये बात बताना ज़रूरी है आपको। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि लोगों को सच्चाई पहुँचाना ये बहुत ज़रूरी है। और ये न्यूज़ क्यों आई, उसके पीछे की क्या स्टोरी ये भी बताना ज़रूरी है। क्या स्टोरी हो सकती है, क्या स्टोरी है वो तो मुझे भी नहीं पता, क्या स्टोरी हो सकती है ये मैं बताना चाहता हूँ। चलो, सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा की शादी नहीं हुई ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबर डाली गई है न्यूज़ मीडिया की तरफ से, कुछ पीआर वाले मीडिया की तरफ से, जो अपना पीआर वाला चमकाना चाहते हैं और चमका चमका के वो इस जगह पहुंचना चाहते हैं कि स्टार की नज़र में आए और फिर स्टार उनको पैसे दे कि भाई मेरी अच्छी खबर छाप। ये होता है, ये सबके साथ होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ऐसी भी आई सुशांत सिंह राजपूत की भी ऐसी खबरें आई जो उसके लिए अच्छी नहीं थी जब वो जिंदा था, ये मीटू वाली जो थी और ऐसी दो तीन चीज़ें, जब वो क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको पैसा दे स्टार, एक तरह से ब्लैकमेल करते हैं पीआर वाले स्टार को, और ये होता है। और फिर स्टार वाले पीआर का भी यूज़ करते हैं कभी कभी अपनी फिल्म का फेक रिव्यू देके, क्योंकि फिल्म अगर अच्छी नहीं बनी तो क्या करेगी, तो कर रहा है कुछ लेवल पे कुछ तो कमाई करनी है, तो फेक रिव्यू देके वो एक तो एक दूसरे का, मैं तो ये कहता हूँ कि एक स्टार और पीआर मीडिया का बॉलीवुड में रिलेशन होता है मियां बीवी का, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और तलाक भी नहीं कर सकते, ये सच है। तो बात ये पूरी की पूरी तरह खबर है, पिछले बार रियलिटी शो में अभी स्टार प्लस में दोनों आए थे और उन्होंने कहा कि शादी की खबर बिल्कुल ही सही नहीं है, एक तरह से अलग तरीके से उन्होंने दिखाया। लेकिन ये खबर क्यों छापी जा रही, अगर ये खबर पीआर मीडिया ने छापी है अपने प्रॉफिट के लिए तो समझ जाओ वो कुछ दिन में पैसा लेके वो खबर बंद करेगी। अगर पीआर मीडिया को पैसे दिए गए हैं कि इस खबर को छापने के लिए, जो या तो किसी फिल्म वाले ने दिए होंगे जिसकी फिल्म आ रही होगी सलमान की सोनाक्षी की, कि ये खबर डालो ताकि हमारे फिल्म को फ़ायदा हो, ये होता है, या फिर सोनाक्षी की कोई फिल्म आ रही होगी जो उसके पीआर मीडिया ने दी होगी, या तो सलमान खान की तरफ से कोई पीआर मीडिया जो सलमान खान का हैंडल करता है उन्होंने दी होगी, लेकिन बिना सलमान को पूछे ऐसी खबर नहीं दे सकता कोई, ये कोई जुगरत कर नहीं सकता, ये बात सच है। चलो, यही खबर थी कि एंड ऑफ द डे यही कहना है कि सोनाक्षी सलमान की शादी नहीं हुई। सलमान क्यों नहीं शादी कर रहा है ये आपको बहुत सारी चीज़ों में पता लग जाएगा, क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये हिरन या कोई भी इस चक्कर में अगर मुझे अंदर जाना पड़े तो मैं किसी और ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ, ये उनका सेंटेंस था। और दूसरा सेंटेंस ये था कि मेरे को अगर शादी करनी है तो मुझे अपनी माँ की तरह होनी चाहिए, मैं हिलन आंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी जो उनकी मम्मी है उनकी तरह कोई अगर मिले तो मैं करूँगा। अब पूरा का पूरा मामला मुझे एक्चुअली ये बताना ज़रूरी था कि किस तरह से पीआर मीडिया और बॉलीवुड का रिलेशन होता है, ये बताना आपको मैं इसलिए भी समझता हूँ कि कई बार बहुत सारे स्टार्स को पीआर मीडिया हरास करती है, कई बार बनाती भी, ये पीआर मीडिया भी पैसा लेके करती है। दुनिया बहुत अजीब हो गई, नोच रहे एक दूसरे को देख रहे, क्योंकि सुशांत के भी केस में आपने देखा होगा राब्ता फिल्म की प्रमोशन में वो गया और जिस तरह से पीआर ने उसको हरास किया था कि इसका क्वेश्चन बताओ उसका क्वेश्चन बताओ, आप खुद समझदार हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें।